लिंगफेंग अपने डेथ को फेक कर चुका था और दो दिन बाद एवलांच से बाहर निकलता है। सारे स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर्स मर चुके थे। लिंगफेंग के अंदर गुस्सा भर चुका था और वो बदला लेना चाह रहा था। वो पैदल ही बेस तक पहुंचता है। ये जानने के बाद कि लिंगफेंग फेल कर गया, चिन चिन येन बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें बेस के आधे इलाइट सोल्जर्स को सौंप दिया था, लेकिन तुम फिर भी कुछ नहीं कर पाए। तुम्हें पता भी है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड म्यूटेंट सोल्जर्स कितने कीमती हैं। उन्हें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के जरिए चुना गया था। वो एक सोल्जर 100 नॉर्मल सोल्जर के बराबर था। ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है। मैंने अपने कीमती सोल्जर्स को तुम्हारी वजह से खो दिया। ना समझ कहीं के ऐसी शर्मनाक हार के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेस्ट माउंटेन पेस में वापस आने की। लिंगफेंग बहुत दुखी था और कहता है, मैं मानता हूँ कि मेरी वजह से सभी सोल्जर्स एवलांच में जम गए हैं और मैं उन्हें नहीं बचा पाया। ये सब चैंगी का प्लान था। हमने उसे जितना बेवकूफ सोचा था वो उससे कई ज्यादा चालाक है। तभी लिंगफेंग उसके सामने घुटने के बल हो जाता है और कहता है, लॉर्ड येन, मैं अपनी गलती के लिए कोई भी सजा लेने को तैयार हूँ। भले ही आप मुझे मार दे, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे एक और मौका दे। मैं उस जैंगी से बदला लेना चाहता हूँ। अगर मैं जैंगी को अपने हाथों से नहीं मारता हूँ तो मौत के बाद भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। चिनचिन येन बहुत गुस्सा था। वो लिंगफेंग को वहीं मार देना चाहता था, लेकिन वो मजबूर था क्योंकि वो जानता था कि उसके पास सोल्जर्स की कमी है और लिंगफेंग एक टॉप लेवल सोल्जर है। फिर वो कहता है, खैर ये हमारी गलती भी है कि हमने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट किया। जैंगी हमारे सोच से भी ज्यादा चालाक है, तो मैं तुम्हें इस गलती के लिए पूरा जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता हूँ। इस बार मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन ये तुम्हारे परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। इसीलिए ध्यान रखना, अगर तुमने फिर से गलती की तो मैं तुम्हें सारी गलतियों की सजा जरूर दूंगा। फिर चिनचिन येन लिंगफेंग को वहां से जाने का इशारा करता है और पनिशमेंट के तौर पर उसे एक हफ्ते के लिए प्रिजन में रहने कहता है। चिनचिन येन जैंगी के बारे में सोचने लगता है कि मैंने उसे आम मैनेजर समझकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसका सर दर्द होने लगता है। वो सोचता है, इस शर्मनाक हार के बाद वेस्ट माउंटेन बेस बहुत कमजोर हो चुका है। मुझे जल्द से जल्द और भी सोल्जर्स बनाने होंगे, नहीं तो अगर दूसरों को इसके बारे में पता चल गया तो वो मुझे ही टारगेट बना लेंगे। इतना सोचने के बाद चिनचिन येन गेरो को बुलाता है और उससे पूछता है, लिंगफेंग ने बताया था कि उसने अपने साथ कुछ सर्वाइवर्स को लाया है, वो सब अभी कैसे हैं? क्या उनके रिजल्ट्स आ चुके हैं? फिर गेरो अपने टैबलेट में देखते हुए बताती है, टेस्ट के रिजल्ट्स अब तक नहीं आए हैं, लेकिन इस बैच में सब यंग और मिडिल एज्ड लोग हैं। ये सभी गांव से हैं, तो इनके फिजिकल कंडीशंस काफी अच्छे हैं, तो इस बार ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये सभी म्यूटेंट्स बन सकते हैं। तभी चिनचिन येन कहता है, क्या तुम इसे कोई खेल समझ रही हो? म्यूटेंट्स का अवेक होना कोई मजाक नहीं है। हर कोई लिंगफेंग जैसा नहीं बन सकता। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी करो और उन पर एक्सपेरिमेंट्स करो। हमें जल्द से जल्द बेस के स्ट्रेंथ को फिर से बढ़ाना होगा। अगर नॉर्मल एक्सपेरिमेंट काम नहीं करते हैं तो उनमें लिंगफेंग के सेल्स को इम्प्लांट कर दो। जो भी हो, हम बेस के कॉम्बैट पावर को इतना कम होने नहीं दे सकते हैं, समझी? ये सुनकर गेरो थोड़ा घबरा जाती है और कहती है, हमें इतनी जल्दी भी नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो एक्सपेरिमेंट का सक्सेस रेट कम हो जाएगा और ऐसे में और भी लोग मारे जाएंगे। पर चिनचिन येन को सर्वाइवर्स के मौत से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था और वो गेरो से कहता है, मुझे जो अभी चाहिए वो है कॉम्बैट पावर्स, सोल्जर्स, ना कि लेबर फोर्स। इस सिटी में अब भी बहुत से सर्वाइवर्स बचे हुए हैं। उन्हें ढूंढ कर काम में लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर एक बार स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स खो देंगे तो हम इस सिटी को भी खो देंगे।
ये कहते हुए चिनशिन येन और भी सीरियस होने लगता है। मैं सिर्फ इस सिटी पर राज नहीं करना चाहता हूँ, मैं पूरे हेवनली सी सिटी पर राज करना चाहता हूँ, समझी तुम। ये पहली बार था जब चिनशिन येन ने अपने गोल्स को ऐसे बताया था। गेरो बहुत डर जाती है और कहती है, मैं समझ गई सर, मैं सारी चीजें अरेंज करने में ध्यान देती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद चिनशिन येन बहुत घबराने लगता है और सोचता है, क्या ये जेंगी सच में इतना पावरफुल है, मैं इसे कैसे हैंडल करूँ। लिंग फिंग भी उसे नहीं हरा पाया, क्या अब मुझे सच में रिवर साउथ डोमेन से मदद मांगनी होगी। मिस्टर शू ने मुझे एक मिसाइल दिया था, क्या मैं उस मिसाइल का यूज करूं या नहीं। चिनशिन येन बहुत कंफ्यूज होने लगता है, मैं इस जेंगी को कैसे हैंडल करूं, आखिर में मुझे ही ये करना होगा क्योंकि ये सुपीरियर्स के लिए ही तो होता है। चिनशिन येन सोचने लगता है कि जेंगी मेरे इलाके में खतरा बना हुआ है, अगर मैं इसे हैंडल कर लेता हूँ तो वेस्ट माउंटेन बेस से मेरा अथॉरिटी कभी खत्म नहीं होगा। रिवर साउथ डोमेन के शू ने मुझे ये मौका दिया था, ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए, और ये हमेशा से मेरा ट्रम्प कार्ड बना रहा है। यहाँ हेवनली सी सिटी में बहुत से पावर्स हैं, और इस ट्रम्प कार्ड की वजह से दूसरे पावर्स वेस्ट माउंटेन बेस से दुश्मनी करने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। मैं इस रिलेशनशिप को अभी यूज नहीं करना चाहता हूँ, जब बहुत जरूरत पड़ेगी मैं ये तभी करूंगा। चिनशिन येन जानता था कि जेंगी को हराना मुश्किल होगा, वो सोचता है, मैं उससे कुछ ऑफर कर सकता हूँ और ग्रैंड प्रॉमिसेस करने में मैं सबसे आगे हूँ। चिनशिन येन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन को बुलाता है और उससे कहता है कि वो जेंगी को कॉन्टैक्ट करे। फिर थोड़ी देर बाद सारा सेटअप हो जाता है, जेंगी को भी कॉल रिक्वेस्ट मिल जाता है। बात करने से पहले चिनशिन येन सोचता है कि अगर बातचीत से काम नहीं बनता है तो मैं मिसाइल का यूज करके उसके शेल्टर को उड़ा दूंगा। कनेक्ट होने के बाद जेंगी चिनशिन येन से कहता है, मुझे लगा ही था अब तुम मुझे कॉन्टैक्ट जरूर करोगे। चिनशिन येन, शिन येन वेस्ट माउंटेन बेस के टॉप अथॉरिटी में काफी समय से बना हुआ है, इसीलिए उसे कोई भी उसके नाम से डायरेक्ट नहीं बुलाता है, और इतने टाइम में ये पहली बार था जब किसी ने उसका नाम लिया हो। शिन येन हंसता है और कहता है, जेंगी मैं हैरान हूँ कि तुम अब तक जिंदा हो, लेकिन अब तुम्हारा लक खत्म हो चुका है। इस पर जेंगी कहता है, दद्दूचन मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ, मेरे साथ पंगा मत लो, तुमने अपने इलाइट फोर्स को यहाँ भेजा और देखा ना मैंने उनका क्या हाल कर दिया, अब तुम कमजोर हो गए हो, तो मुझे हराने की जगह खुद को बचाने के बारे में सोचो। जेंगी उसका मजाक उड़ाने लगता है, तुम झूठ की मेहनत क्यों करना चाहते हो, जब तुम्हारे पास कोई रियल स्ट्रेंथ बचा ही नहीं है तो अपने हार में ऐसे ही मुंह छुपाए रखो ना, मुझे लगता है अब तुम्हें अपने सपनों पर गिव अप कर देना चाहिए, ये तुम्हें आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। मैं अच्छा आदमी हूँ इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ शांति से रहने में कोई दिक्कत नहीं है, तो क्यों ना हम डील करें, तुम मुझे तंग नहीं करोगे और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। जेंगी सच में डील करना चाह रहा था और उम्मीद में था, लेकिन तभी शिन येन कहता है, जेंगी मैं भी तुम्हें यही बताना चाहूंगा कि इस सिचुएशन को तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुमसे आराम से डील कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे टैलेंट पसंद है, इसीलिए तुम गलत हो कि मैं तुम पर जानलेवा हमला नहीं कर सकता हूँ। खैर अगर तुम मेरे सामने सरेंडर कर देते हो तो मैं तुम्हें वेस्ट माउंटेन बेस का सेकंड इन कमांड बना दूंगा, मैं जानता हूँ तुमने कभी सेकंड होना एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, लेकिन यकीन मानो ये भी बुरा नहीं है। और एक और बात, इससे पहले तुम्हारे पास जो भी सप्लाईज है वो सब हमारे हवाले कर दो। ये सुनकर जेंगी हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे फालतू के ऑफर को मान लूंगा, यहाँ मैं विक्टर हूँ, मैं समझ रहा हूँ अब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है और तुम मेरे बॉस बनने का सोच रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है बुढ़े। ये सुनकर यांगमी और जो भी हंसने लगते हैं। चिनशिन येन जेंगी के अगल बगल में सुंदर लड़कियों को देख कर
गुस्सा हो रहा था क्योंकि वो समझ गया था वो कोई इन्फ्लुएंस नहीं बना पा रहा है बल्कि अपना मजाक बना रहा है। फिर जैंगी कहता है, दद्दू अच्छा होगा तुम मेरे लिए काम करो, अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा और तुम्हें बस अपने बिल में घुसे रहना होगा और जब भी तुम मुसीबत में पड़ो तो मेरा नाम ले लेना। ये सुनकर शिनयन बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, बेवकूफ बच्चे तुम नहीं जानते हो तुम किससे पंगा ले रहे हो, अब तुम देखते जाओ तुम्हारा अंत अब नजदीक है। जैंगी बहुत हंसने लगता है और कहता है, अरे अरे दद्दू तुम्हें तो गुस्सा आ गया और मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी चिनयन बहुत सीरियस हो जाता है और कहता है, ना समझ बच्चे तुम्हें अब भी लगता है कि मैं कमजोर हो गया हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं बस एक फोन कॉल करूंगा और मेरे कहने पर एक मिसाइल तुम्हारे घर पर लॉन्च हो जाएगा। तुम्हारा घर भले ही बहुत स्ट्रॉन्ग होगा लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ये एक डायरेक्ट मिसाइल अटैक को झेल पाएगा? चिनशिनयन के आंख गुस्से में लाल हो चुके थे और ये सुनकर जैंगी भी बहुत डर जाता है और सोचता है, क्या ये दद्दू सच कह रहा है? फिर वो नॉर्मल हो जाता है और कहता है, बस भी करो दद्दू, तुम्हें लगता है तुम मुझे झूठ कहकर डरा सकते हो? हेवनली सी सिटी के पास कोई भी मिसाइल नहीं है, तो क्या तुम किसी दूसरे रीजन से मिसाइल बुलाओगे? क्या तुम्हारे पास इतना पावर है भी? इस पर शिनयन उससे कहता है, तुम बस एक आम आदमी हो, वो भी बहुत लो लेवल के, तुम मुझसे बहुत नीचे हो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा मैं ये कर सकता हूँ या नहीं? मैं क्लियर कर देता हूँ, तुम मेरी इस बात पर पूरा भरोसा कर सकते हो। ये सुनकर जैंगी को अब भी भरोसा नहीं हो रहा था। हाँ हाँ ठीक है मैं मान लेता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसे पावर है भी तो तुमने उसका इस्तेमाल पहले क्यों नहीं किया? तुम्हारा टॉप लीडर लिंग फेंग मुझसे काफी जलील होकर ऊपर चला गया तो अब क्या फायदा? शिनयन बहुत सीरियस होकर कहता है, बस बहुत हुआ, मेरे पेशेंस का भी एक लिमिट है, अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे टैलेंट को खत्म नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने अपनी टीम को भेजा था, लेकिन अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो तुम मेरे सामने सरेंडर कर दो या फिर मैं तुम्हारे घर को तबाह कर दूंगा। जैंगी बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम अपने आप को भगवान समझ रहे हो बुढ़े? अगर तुम सच में ऐसा कर सकते हो तो मेरे घर पर मिसाइल गिरा कर तो दिखाओ, फिर मैं तुम्हें फॉलो करने में कोई शर्म नहीं दिखाऊंगा। इस पर शिनयन कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो बच्चे, ऐसी चीजों का टेस्ट नहीं लिया जाता है, मैं तुमसे और बहस नहीं करना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें चॉइसेस दे दिए हैं, अब तुम जल्दी करो। जैंगी उसके गुस्से भरे चेहरे को देखकर सोचता है, मुझे नहीं लगता ये मिसाइल वाली बात झूठ कह रहा होगा, पर मैं जहाँ तक इसके बारे में जानता हूँ ये आदमी बहुत अच्छे से झूठ बोलता है और कोई इसके ट्रू इंटेंशन को समझ भी नहीं पाता है। फिर जैंगी उससे कहता है, ठीक है दद्दू मुझे इसके बारे में सोचने का थोड़ा टाइम दो। जैंगी के रिस्पॉन्स से शिनयन प्राउड फील करने लगता है कि उसने आखिर में जैंगी को डरा ही दिया कि मेरा अथॉरिटी अब भी बना हुआ रहेगा। फिर वो जैंगी से कहता है, मेरे साथ कोई खेल खेलने की जरूरत नहीं है और देर करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इस पर जैंगी कहता है, तुमने लिंग फेंग को भेजा था ना, मैंने उसके साथ महीने भर लड़ाई की, तो अगर थोड़ा और टाइम लग जाता है तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? फिर शिनयन कहता है, ठीक है फिर मैं तुम्हें एक दिन का समय दे रहा हूँ, अगर तुम 24 घंटे के अंदर सरेंडर नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे शेल्टर पर मिसाइल लॉन्च कर दूंगा। इतना कहकर वो वीडियो कॉल कट कर देता है। फिर शिनयन एक लंबी सांस लेता है और कहने लगता है, ये मिसाइल वाला काम करवाना बहुत मुश्किल है, हे भगवान मेरी मदद करो, जैंगी को मेरे सामने सरेंडर करवा दो, नहीं तो फिर ये मौका बर्बाद हो जाएगा। वहीं जैंगी सबसे कहता है, तो लगता है अब हम इस शेल्टर में ज्यादा देर नहीं रह पाएंगे, अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, हम इसे फेस नहीं कर सकते हैं तो हमें छुपना पड़ेगा। तभी शिनशिन कहती है, मुझे उस आदमी पर भरोसा नहीं हो रहा है, अगर उसके पास मिसाइल है तो उसने इसका इस्तेमाल पहले क्यों नहीं किया, इसका मतलब उसके सारे सोल्जर्स बेकार में मारे गए।
फिर जेंगी कहता है, मुझे भी पता है उसके पास कोई मिसाइल नहीं है, लेकिन 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 स्प्लेंडर के कैपिटल में जो हमारे नेबर्स हैं द रिवर साउथ डोमेन, वहां उनके पास कुछ मिसाइल बेसेस हैं। समझने वाली बात ये है कि चिन शिनियन काफी समय से टॉप पर रहा है, तो अब तक उसके पास वहां कनेक्शंस बन गए होंगे। और जरूरी बात ये है कि वो सच कह रहा है या झूठ, लेकिन हमें जरा भी रिस्क नहीं लेना है, इसीलिए हम कुछ समय के लिए यहाँ से दूर चले जाएंगे। तभी जो पूछती है, तो क्या हम वापस अपार्टमेंट में जाएंगे? शेल्टर पर आने के बाद जो अपने पुराने दिनों को मिस कर रही थी, क्योंकि वहाँ सेफ हाउस में उसने जेंगी के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत की थी और वहाँ बहुत से मेमोरीज थे। फिर जेंगी कहता है, सही कहा, अब हम वहीं जाएंगे। सभी जेंगी के डिसीजन को मान लेते हैं, पर चुनले के लिए ये ज्यादा खुशी की बात नहीं थी, क्योंकि वो इस आलीशान विला में बस कुछ दिन पहले ही आया था, जहां उसे बहुत सारा खाना और गर्मी मिल रही थी। लेकिन अब उसे ये सारा आराम छोड़कर जाना पड़ेगा, जिसके बारे में सोचकर वो थोड़ा दुखी हो जाता है। तभी लियांग यू कहती है, रुको, यहाँ से जाने से पहले तुम्हें अपने प्रॉमिस को पूरा करना होगा। जेंगी शिनशिन को देखता है और उससे एक सिम कार्ड लेता है। फिर वो लियांग यू से कहता है, मैं अपना प्रॉमिस नहीं भूलूंगा, लेकिन टीचर लियांग को रिस्क लेना पड़ेगा और वापस वेस्ट माउंटेन बेस जाना पड़ेगा। शिनशिन ने पहले ही वहां के नेटवर्क्स में वायरस घुसा दिया है, जो उसे बेस में घुसने में हेल्प कर सकता है। वो बेस के आइडेंटिटी रिकॉग्निशन सिस्टम को बाईपास कर सकती है। अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए वो वेस्ट माउंटेन बेस में छुपने का डिसाइड करती है। एक दिन वो दो डॉक्टर को बात करते हुए सुन लेती है, क्या तुमने सुना? टीचर लियांग यू ने लीडर को धोखा दिया, इसीलिए अब उसके स्टूडेंट्स को ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट बनाया जा रहा है। ये सब लीडर बहुत जल्दी करवा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत गुस्सा है। ये सुनकर लियांग यू बहुत दुखी हो जाती है। उन डॉक्टर्स के जाने के बाद वो जेंगी का दिया सिम कार्ड निकालती है और अपने फोन में लगा लेती है। इस कार्ड को शिनशिन ने मॉडिफाई कर दिया था, जिससे इसका सिग्नल रिसेप्शन कैपेबिलिटी बढ़ गया था और ये बहुत से सर्वर्स इंक्रिप्शंस को बाईपास कर सकता था, जिससे उसे कोई वेस्ट माउंटेन बेस में डिटेक्ट नहीं कर सकता था। लियांग यू जेंगी को मैसेज भेजती है, जेंगी, मुझे जल्द से जल्द अपने स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ से जाना होगा, और हाँ, लिंग फेंग अब तक मरा नहीं है, मैंने तुम्हारा साथ दिया ये यहाँ सबको पता चल चुका है, अब मैं और मेरे स्टूडेंट्स बहुत खतरे में है। फिर जेंगी रिप्लाई देता है, तो जल्दी से छुपकर नेटवर्क सेंटर में जाओ और मैंने जो चिप दिया है वो किसी भी एक कंप्यूटर में लगा दो, और तभी शिनशिन यहाँ से वहाँ के नेटवर्क्स को कंट्रोल कर पाएगी, फिर हम तुम्हारे एस्केप में हेल्प कर पाएंगे। लियांग यू बहुत गुस्सा हो जाती है कि जितना आसानी से तुम ये कह रहे हो, ये करना उतना ही मुश्किल है। यहाँ के बेस में चारों तरफ कैमराज और गार्ड्स हैं, और यहाँ के कंप्यूटर रूम को और भी गार्ड किया जाता है, तो ये करना बहुत मुश्किल है। लेकिन लियांग यू ये भी जानती थी कि स्टूडेंट्स को बचाने का उसके पास बस यही एक मौका है। वो सोचती है, जब तक शिनशिन इस चिप से बेस के नेटवर्क्स को खराब करेगी, तब तक मेरे पास बहुत समय होगा स्टूडेंट्स को लेकर भागने का। फिर वो जेंगी को मैसेज करती है, चिंता मत करो जेंगी, मैंने जो तुमसे कहा था मैं वो करूंगी, और उम्मीद करती हूँ कि तुम भी अपना प्रॉमिस निभाओगे। फिर हमें पता चलता है कि जेंगी ने लियांग यू को प्रॉमिस किया था कि एस्केप करने के बाद वो उन्हें कुछ खाना और रहने के लिए जगह देगा, और भी हेल्प के लिए लियांग यू को और ज्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जेंगी उसे रिप्लाई देता है, हाँ हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर लियांग यू अपने फोन को ऑफ कर देती है और सिम कार्ड निकाल लेती है, और फिर प्लानिंग करने लगती है। वो सोचती है कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट सेकंड लाइफ पॉड में ही है, जो अभी मुझसे 500 मीटर दूर है। लियांग उधर ही जाने लगती है और सोचती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पहले की जॉब में वापस जा पाऊंगी, जब मैं हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स की बॉडीगार्ड हुआ करती थी। मैंने उसके लिए सिस्टमैटिक प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ली थी।
वहीं जैंगी के कार में सभी वापस जैंगी के अपार्टमेंट में जा रहे थे। लियांग यू से बात करने के बाद जैंगी कहता है, इस लड़ाई को जीतने में लियांग यू का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें खुद को और दुश्मन को अच्छे से जान लेना चाहिए, तभी हम एक लड़ाई जीत पाते हैं, और उनके वीकनेस को जानने के बाद हम उसका फायदा उठा सकते हैं। इस पर शिनशिन कहती है, मैं भी ये जानना चाहती हूँ, क्या उनके पास सच में मिसाइल लॉन्च करने की कैपेबिलिटी है भी या नहीं, और ऐसे वर्ल्ड में इतने स्ट्रेटेजिक वेपन को पोजेस करना बहुत बड़ी बात है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। फिर शिनशिन अपना लैपटॉप जैंगी को दिखाती है। उसने सक्सेसफुली वेस्ट माउंटेन बेस के नेटवर्क को हैक कर लिया था। जैंगी खुश हो जाता है और उसकी तारीफ करता है। सही कहा, अननोन फोर्सेस हमें ज्यादा डरा सकते हैं, लेकिन अगर हमें उनके काबिलियत के बारे में पता चल जाए तो हम उन्हें आराम से हरा सकते हैं। तभी कैरन जो कार चला रही थी वो काफी घबराई हुई लग रही थी। जैंगी उससे पूछता है, क्या हुआ कैरन, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? फिर कैरन बताती है, हम अभी सेफ हैं, लेकिन टीचर लियांग खतरे का सामना कर रही है। उनका मिशन बहुत खतरनाक है, अगर वो पकड़ी गई तो बहुत बुरा होगा। जैंगी सोचता है, मुझे उसके जिंदा रहने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा इंटरेक्शन बस एक ट्रांजैक्शन है और कुछ भी नहीं। फिर वो स्माइल करते हुए कहता है, टीचर लियांग बहुत अच्छी है, वो अपने स्टूडेंट्स के बारे में सोचती है और उन्हें बचाने के लिए गई है, वो बहुत नेक काम है, तो भगवान भी उनकी मदद करेंगे। ये सुनकर कैरन बहुत खुश हो जाती है, हाँ सच में टीचर लियांग बहुत अच्छी है, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। वहीं जैंगी अपनी हंसी रोक रहा था और सोचता है, ये कितनी मासूम लड़की है बेचारी। फिर हम देखते हैं कि जैंगी और उसका ग्रुप जैंगी के अपार्टमेंट तक पहुंच चुका था। वो लोग देखते हैं कि वहां के बिल्डिंग स्नो से काफी ऊपर तक कवर्ड हो चुके हैं। अंकल यू और जो हाई में उनका ही वेट कर रहे थे। वहीं सबसे इग्नोर होते हुए गाड़ी के पीछे एक लड़का था जो दुखी था, चुनले, जो ठंड से कांप भी रहा था। सभी कार से बाहर आते हैं। जैंगी चारों तरफ देखता है और सोचता है, ये जगह काफी शांत हो चुकी है, लगता है अब यहाँ कोई भी जिंदा नहीं है। अंकल यू और जो आई में हंसते हुए उनका वेलकम करते हैं। यू कहता है, बाहर बहुत ठंड है, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। कुछ समय पहले यू ने लाक मैनर के एक्सप्लोजन को फील किया था और जैंगी को कांटेक्ट भी किया था और उसे अपना हेल्प ऑफर किया था, पर जैंगी ने उसे मना कर दिया था। अंकल यू बहुत अच्छे से समझता था कि अब तक वो सिर्फ और सिर्फ जैंगी की वजह से जिंदा बचा हुआ है। वहीं जो हाई में सभी लड़कियों को वेलकम करती है। यांगमी और जो एक दूसरे से फिल्म मिलकर बहुत खुश थे। जैंगी और जो वापस अपने पुराने घर में आते हैं। दोनों को ही काफी नॉस्टैल्जिक फील आ रहा था। जैंगी सोचता है, काफी समय हो गया है जब अपोकलिप्स शुरू हुआ था। जो हाई में बताती है, आज सुबह ही मैंने सारा घर साफ किया था, यहाँ के रूम्स भी काफी बड़े हैं, हम सभी यहाँ आराम से रह सकते हैं। ऐसे वर्ल्ड में अगर उन्हें अच्छी जगह मिल रही है रहने के लिए तो सभी फ्लोर में सोने के लिए भी मान जाते हैं, और सभी हर रोज बोर भी हो जाते थे, तो ज्यादा लोग होने से उनका भी टाइम पास अच्छा हो जाएगा। जैंगी अपना सूट उतार कर अंकल यू के साथ बात करने के लिए बैठ जाता है। फिर वो सिगरेट का पैकेट निकाल कर यू को ऑफर करता है और वो स्मोक करने लगते हैं। फिर जैंगी पूछता है, मेरे जाने के बाद डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या हुआ था? मैंने किसी को भी यहाँ नहीं देखा, क्या किसी ने आपसे चोरी करने की कोशिश की थी? अंकल यू हंसता है और बताता है, यहाँ कुछ भी नहीं बदला था, बल्कि तुम्हारे जाने के बाद वो मेरे पास आने लगे थे और मुझसे मदद मांग रहे थे, लेकिन तब तक मैंने काफी कुछ रियलाइज कर लिया था। मैं दूसरों के लिए अच्छा नहीं बनना चाहता था, इसीलिए मैं सबको मना करते गया, लेकिन बाद में वो मुझ पर ही जबरदस्ती करने लगे, तो मैंने मौका देकर सभी को सबक सिखा दिया। अपोकलिप्स के बाद तुमने मुझे काफी कुछ सिखाया है, खुद को और अपने करीबियों को बचाना सबसे जरूरी होता है। फिर वो बताता है, लेकिन सारे लोग मरे नहीं हैं, यहाँ कुछ सर्वाइवर्स का ग्रुप अब भी है,
ये सुनकर जैंगी थोड़ा हैरान हो जाता है और पूछता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर किसी के पास एक्सटर्नल सप्लाईज नहीं है तो किसी के लिए भी ऐसे मौसम में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। अंकल यू एक और सिगरेट जलाता है और कहता है, तुम उन्हें अच्छे से जानते हो, वो ली जियान और उसका ग्रुप है बिल्डिंग 18 के। ये सुनकर जैंगी बहुत हैरान हो जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।